अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए मैंने चिकन जो है हमने वो लगा ली, लेकिन ऊपर से वो जो बल्ला जो हो रहा है अभी लड़ी आ रहा है जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ओए होए होए होए, देखिए ये सीन देखिए, माशाल्लाह इतना खूबसूरत सीन है जी। ये देखिए जी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं जी, चिकन स्टीम और ग्रिल चढ़गा साथ में जी, मंदीज और राइस जो है ना वो जी बनाया है माशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय व्यूज व्यूज, आज जो है ना हम बनाने लगे हैं जी चिकन मंदी। और चिकन मंदी के कैसे हम बना रहे हैं, एक दो हम लगे लेके आए हैं चढ़गे, फुल चिकन लेके आया हूँ। एक हम चड़गा बनाएंगे जैसे हमने ग्रिल किया था, और एक हम चिकन स्टीम उसको करेंगे, और साथ में चावल बनाएंगे। वो चिकन मंदी दोनों का टेस्ट हम देखेंगे जी, दोनों का टेस्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है और किस तरह मज़ा आता है दोनों चिकन का। दोनों मैं चिकन फुल लेके आया हूँ, आपको दिखाते हैं, पूरा मैरिनेट करते हैं आज, और कल इंशाल्लाह जो है ना इसको पूरा प्रोसीजर करेंगे और पूरा इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं चिकन के पास, जो जो चीज़ें इसको मैरिनेट करने के लिए वो आप देख सकते हैं। अगर मेरा आपने इससे पहले मैंने चिकन का वो चढ़गा जो है ग्रिल का व्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप तो जाके देख लीजिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो है ना मैंने एक पतीला ले लिया बड़ा, क्यों पतीला बड़ा इसलिए लिया कि दो चिकन है और साथ में दो लेग पीस भी हैं, उनको मैरिनेट करने के लिए ना इसलिए मैंने बड़ा पतीला लिया है। चिकन जो मैं दो लेके आया था फुल, और देख सकते हैं मैंने साथ में उनको ना इधर कट पीस लगवाए हैं साइड पर भी और दूसरे साइड पे भी, और लेग पीस जो है ना ये लेग पीस दूसरे से उनको भी जो है ना कट लगवाए हैं और वो भी साथ में रखे हैं। अब इनको ना मैरिनेट करने के लिए ना जो प्रोसीजर है वो आपको सारा बताते हैं। ये चिकन का पीस रख लिया पूरा, अब इसको पहले सबसे पहले जो है हम नमक लगाएंगे, इसको अच्छी तरीके से ना जज्ब कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर हमने कट लगाए ना वहाँ पर सारा ना चिकन के जो पीस हैं वो उधर रख लेंगे। एक एक करके लगाएंगे, पहले इसको लगाएंगे फिर दूसरा जो चिकन का पीस फिर उसको बाद में लगाएंगे, पहले इसको लगा लेंगे एक एक करके। नमक लगा लिए, अब दूसरा जो चिकन का पीस है ना वो भी इसके अंदर ही रख लेंगे और उसको भी नमक जो है हम लगा लेंगे। दोनों साइड पे ना अच्छे तरीके से कट पीस जो आपने लगवाने हैं ना उस पर आपने अच्छे तरीके से जो है ना नमक लगा लेंगे। ब्लैक पीस है इसको भी नमक लगा लेंगे साथ। तो पहले हम इसको ना सिरका लगाएंगे अच्छे तरीके से, सिरका लगाने से ये होता है कि चिकन जो है ना वो काफी नरम हो जाता है और इसमें जो चिकन की बदबू नहीं होती वो खत्म हो जाती है। फुल में हमने ले लिया पानी, उसमें हम ना नींबू जो है ना वो ज़रा कर लेंगे, निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। आप नींबू नहीं भी डाल सकते, नहीं डालना आप नहीं भी डाल सकते, अगर डालें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वो मीडियम साइज़ का आपने नींबू लेने हैं। पानी सारा ना अभी चिकन में डाल देंगे, सिरका हमने पहले ही लगा लिया हुआ है, पानी जो नींबू वाला पानी सारा इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे अब इसमें, इसको अच्छे तरीके से ना डिप करेंगे, पानी थोड़ा सा और डाल लेंगे। ये जी अच्छे तरीके से जी पानी हो गया, अब इसको हम ना मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए ना हम इसको ऐसे डिप करके ना रख देंगे, ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से नरम भी हो जाएगा और जो इसमें बदबू है ना चिकन की जो होती है वो ख़त्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अभी जो है ना आधा घंटा जो है ना हो गया है, अभी इसको रखते हैं, अभी इसको ना निकाल के ना ये छानना लिया है, इसको ना इसमें हम ना चिकन रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये देखिए कितना सफ़ेद हो गया ना, अच्छी तरीके से जो है ना साफ हो गया। देखिए चिकन, ये देखिए देखिए कितना अच्छे तरीके से साफ हुआ चिकन। अब इसको 5 से 6 मिनट ना ऐसे छोड़ देंगे ताकि पानी जो अच्छे तरीके से जो नहीं वो इसमें से निकल जाए, ये खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है ना उसको फिर मसाले ज़्यादा वो लगाए जाएंगे। अभी हमने बर्तन इसको खुश्क रखने के लिए रखा हुआ है, काफ़ी कुछ को वो हो रहा है अभी, क्योंकि जितने देर ये खुश्क होता है उतनी देर तक हम जो ना ये मसाले जो है इनके बना लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले हमने दही लिया है, तकरीबन आधा के जी तकरीबन दही है। उसमें सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक डाला है और 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्च डालेंगे, 1-2 टेबल स्पून ना हम सूखे धनिया पाउडर के डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 स्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 स्पून हम काली मिर्च वो डालेंगे, फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट वो डालेंगे, इसको हमने कूट लिया था, इसको अच्छी तरह से डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से ना मिक्स करेंगे। करने से पहले हम ना चिकन तंदूरी मसाला वो डालेंगे जो बाज़ार से आराम से आपको मिल सकता है, अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। कर लिया, इसमें हम 2 अंडे जो है ना वो भी डालेंगे। दो अंडे डालेंगे अब इसको फिर अच्छे तरीके से ना मिक्स करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सही हो, सिर्फ गुटनी वगैरह दही की ना हो, अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो ना मिक्स हो गया, देखिए कैसे बड़ी पतला सा हो गया। अब इसको हम ना मुर्गी को जो है मसाला लगाना शुरू करेंगे। जी मसाला जो हमारा रेडी हो गया, हमने एक बर्तन ले लिया बड़ा, अब इसमें चिकन को ना रखते जाएंगे, मसाला जो है इसको ऊपर सासा लगाते जाएंगे हम। पहले मसाला फेंक देंगे तो बाद में हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ की मदद से ना अच्छे तरीके से करना है, जो कट लगवाए हुए ना उसके बीच में भी आपने लगाना है ताकि मसाला जो अच्छे तरीके से रच जाए मुर्गी में। जी एक चिकन को मसाला लगा लिया, देखिए अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया, और दूसरा है इसको भी उसी तरह ना मसाला लगा लेंगे। भी हाथ की मदद से ना उसी तरह ही ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत चुका हो गया पीस, अब दोनों लेग पीस जो है ना वो रखेंगे, जो अलहदा से कटवा के लाया था इसको भी मसाले अच्छे तरीके से लगाएंगे। सारे मसाला जो है ना हम उसमें चिकन में डाल देंगे, सारे एक्स्ट्रा भी जो होगा वो चिकन में डालेंगे ताकि ओवरनाइट जो पड़ा इस मसाले में पड़ा रहेगा ना वो अच्छे तरीके से जो नहीं सही अच्छे तरीके से रख जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह जी मसाले सारे हमने लगा दिए हैं। अब इसको 24 घंटे के लिए जो नहीं इसको फ्रिज में रख देंगे और मैरिनेट हमने रख दिया पूरा। तो अभी आपको ना खा देता हूँ रखने फ्रिज में रखने से पहले कि अच्छे तरीके से जो मसाले जो हमने लगाए हैं और दो लेग फुल चढ़ गए हैं, दो लेग पीस हैं मुकम्मल। अभी अब इसको जो है ना एक को स्टीम लगाएंगे और एक को जो है ना हम ग्रिल करेंगे, दो जो लेग हैं उसको भी हम स्टीम ही लगाएंगे। आपको लास्ट दिखा देते हैं और इसको फ्रिज रख देंगे, फिर इंशाल्लाह 24 घंटों के बाद यानी कल शाम के इसी वक्त ना फिर हम बनाएंगे और साथ में चावल भी बनाएंगे, जो आपको मंदिर चावल कहा था ना वो चावल भी हम बनाएंगे। ये देखो आपको लास्ट दिखा देंगे, ये देखिए माशा देखिए कितना खूबसूरत जो है ना आया हुआ है कलर, इसको अच्छे तरीके से जेनुइन कोई फूड कलर हमने नहीं इंक्लूड किया, जेनुइन कलर ही है। और इसी तरह हम इसको इंशाल्लाह पकाएंगे। तो अब इसको रख दिया और इंशाल्लाह अभी इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट, कल दिन को भी ये पड़ा रहेगा, कल शाम को जो है जाकर इसको हम बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको कल शाम को मुलाकात होगी जी गाइस। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है तो अभी जो है ना चिकन फुल नाइट जो है वो तो पड़ा हुआ है, उससे पहले हमने ना विंग्स ली हैं, गर्दने भी ली हैं उसकी मुर्गी की, उसकी उनकी यखनी निकालनी है वो हमने रख दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़, ये हमने विंग्स और गर्दने डाली हैं, इनकी यखनी निकालनी है। और ये हम राइस बना रहे हैं ना उसकी यखनी निकाली, अब इसमें 5 गिलास हमने पानी डाला है और अब नमक डालेंगे इसमें, आधा चम्मच जो है ना वो हमने हल्दी भी डाली साथ में। तभी ना तकरीबन 5 से 7 मिनट तक उबाल आ रहे हैं जी, 3 से 4 उबाल आएंगे ना तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। तब तक आपको जो है ना मैं अपना चिकन जो है वो रात का पड़ा हुआ मैरिनेट किया हुआ वो दिखाता हूँ किस तरह का मैरिनेट जो है वो हुआ हुआ है। ये देखें जी कल हमने शामी को कबाब बनाए हैं अम्मी जान ने, इसको इसकी रेसिपी आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे आप। तो ये देखें जी ये फुल नाइट जो है ना चिकन पड़ा हुआ है, एक मिनट निकाल लें ये फुल नाइट तकरीबन 24 घंटे तकरीबन हो रहे हैं इसको लगे हुए। इसे अब एक दफ़ा ना इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे मिक्स करके, फिर एक दफ़ा ना इसको चिकन को ना लगा लेंगे कर। जी काफ़ी अच्छा मैरिनेट हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना ठंडा क्यों 24 घंटे तकरीबन पड़े हुए हैं इसको। अब इसको बाहर इस तरह ही रख देंगे, ऊपर से ढक देंगे, तब तक हम राइस जो बना लेंगे तब तक ये इसको बाहर रहेगा, ये थोड़ा सा ज़रा ठीक हो जाएगा, फिर हम इसको ना ग्रिल करेंगे और एक को जो है ना स्टीम करेंगे। जी यखनी हमारी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब यखनी जो है ना हम वो चावलों के लिए यूज़ कर लेंगे, और बीन्स जो कर देंगे जो है ना उसके में हम ना चिकन जो निकाल लेंगे और इसके रेशे करके ना इसको ना राइस में जो है ना ऐड कर लेंगे, साथ में राइस में डाल लेंगे। जी ये देखिए हमने से और गर्दन निकाल लिए चिकन, और यखनी जो है ना हमारी इधर रेडी हो गई है, इसको चावलों के लिए ना यूज़ कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी नॉर्मल हो गया है, अब इसको ना हम ओवन में रखने में सीख मैंने निकाल ली इसकी, अभी ये इसको सीख लगाते हैं और फिर इंशाल्लाह ओवन में रख देते हैं, जैसे आपने पहले किससे पहले जो मेरा ब्लॉग देखा है ना उसी तरह हम लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें मैंने चिकन जो है हमने वो लगा ली ग्रिल, ऊपर से वो बनना चल रहा है, अभी इसको ना तकरीबन 35 से 40 मिनट ना इसको ऐसे रखेंगे ताकि पक जाए। उधर वो चिकन जो है वो हमारा हो रहा है, तब तक हम जो है ना चावल बना लेते हैं। उससे पहले हमने प्याज रखा, उसमें ऑयल डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसमें जो है ना हम पानी ऐड करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, जो चिकन का मसाला लगाया था ना वही चिकन मसाला जो ज़ाया नहीं करेगी वही हम ऐड कर देंगे। मसाले हो गए हैं, इसमें हम जो खड़े मसाले वो ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं मसाले हम जो है ना 1 टेबल स्पून जो है नमक ऐड करेंगे, और डालने के बाद हम डालेंगे बिरयानी मसाला। हो गए और जो हमने विंग्स और एक चिकन था ना उसके हमने चिकन निकाल लिया था, अब इस चिकन को भी ऐड करेंगे। ये अभी दूसरा जो चिकन है ना उसको हम कर लेंगे स्टीम करना है, उसके लिए मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, फॉइल पेपर के ऊपर चिकन रखेंगे,
ऐसे ये चिकन रखेंगे फाइल पेपर के ऊपर रख लिया। अब इसको अच्छे तरीके से ना बंद कर लेंगे, अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करना है। इसको ना ये लगा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कितना खूबसूरत ये हो गया। अब इसको इधर रख देंगे, बाद में इसको ना हम ना स्टीम लगा लेंगे। तो स्टीम हमने उधर लगा ली, उधर वो रख लिया रैप करके। अब हमने ये एक किलो चावल है हमारे और हमने 1.5 किलो जो है ना पानी ऐड करने लगे हैं। जी पानी में उबाल आना शुरू हो गए हैं, अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। जी चावल में उबाल आने शुरू हो गए, अब इसको ना कवर करके ना नीचे से बिल्कुल हल्की सी आंच रखेंगे और उसको दम लगा देंगे। हमने ये दो पहले चिकन के पीस जो लेग थे ना वो लगाए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत जी कलर आया ये इसका अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही हमने जैसे ये दो लगा लिए, भुजंग देने जा रहा हूँ मैं अभी, तो ये उसके बाद हम फिर ये जो पीस हैं ये पूरा चिकन ये लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अब ये चिकन का पीस जो है ना ये हम लगा देंगे, इसको स्टीम करने हैं। स्टीम पहला इरादा मेरा था उसके पीस ऑन के पीस स्टीम लगाने का, लेकिन अब उसके ना पीस हम लगा रहे हैं टाइम है कि गैस ना चली जाए। अभी इधर लगा देंगे इसमें और फिर ये इधर हो गया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत जी कलर आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी हो गया अभी टाइम 40 मिनट हुए हैं। अभी हम खोलते हैं दिखाते हैं जी आपको कि चिकन जो है वो किस तरह का हो गया हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह जी, धुआं निकल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, नज़र ही आ रहा है जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ओए होए 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 देखे जी स्टीम देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत स्टीम हुआ है जी। ये देखे ओए होए 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 क्या स्टीम हुआ है जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये देखे जी ये ग्रिल है माशाल्लाह, इसका भी देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत जी कलर आया, इतना टेस्ट है ना मैंने मज़ा आ गया, मुँह में पानी आना शुरू हो गया। चावल भी हमारे रेडी हैं, स्टीम भी हमारे रेडी है, अब आपको डिश आउट करके वो दिखाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह ये देखें जी स्टीम बना है माशाल्लाह कितना खूबसूरत जी कलर अल्हम्दुलिल्लाह बना जी स्टीम, और इतना मज़ेदार बना है ना, इतना नरम है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ऐसे करके टूट रहा है, इतना भी नरम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं जी चिकन स्टीम और ग्रिल चढ़गा साथ में जी मंदिर राइस जो है ना वो जी बनाया माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत जी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये चीज़ घर में भी बना सकते हैं, ये हमने भी घर में बनाया, बहुत ही खूबसूरत बड़ा ही टेस्टी बना है, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत भी बना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चिकन मंदी जो है न्यू स्टाइल में और कितनी मज़ेदार बनी है, बहुत ही मज़ेदार है आप देख सकते हैं। आप ये जो डिश आप जरूर घर में ट्राई करें, डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ डिटेल से आपको दी जाएगी, आपको पढ़िएगा उतर लीजिएगा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर मेरी आपको भी अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो आपको वीडियो आपको पसंद है तो आप आज का ब्लॉग देखिए तो हम आपको ज़्यादा बहुत आया, गाँव भी आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।